अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर जाना है और एक न्यू फाइल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, यूजर मॉडल डॉट जे एस। इस नाम से हमने एक फाइल क्रिएट की। इसमें हमको क्या करना है, मोंगूस को इम्पोर्ट करना है, क्योंकि मोंगूस की मदद से हम क्या करते हैं, स्कीमा डिजाइन करते हैं। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट कर देंगे, कॉन्स मोंगू इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मोंगू। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कीमा को डिजाइन करने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, स्कीमा का नाम लिखना है, जैसे कि हमारे केस में यूजर है, तो यूजर से रिलेटेड स्कीमा हम क्रिएट करने वाले हैं, यूजर स्कीमा। फिर न्यू मोंगूस का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी ये है मोंगूस डॉट स्कीमा, मेक श्योर एस कैपिटल से लिखिए, और ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि नो सीक्वल डेटाबेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स में काम करना पड़ता है, यानी की वैल्यू पेयर्स में हम काम करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूजर नेम दे देंगे और इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर कर देंगे इसको, सो रिक्वायर इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, एरे में लिखता हूँ, साथ में वैलिडेशन मैसेज भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जैसे कि यूजर नेम इज रिक्वायर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका ईमेल भी ले लेंगे, सो ईमेल की एक फील्ड हम यहाँ पे बना लेंगे, इसका टाइप भी क्या रखेंगे हम पिंग कर देंगे, और रिक्वायर इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है ट्रू, एरे के अंदर आप ऐड करिए, साथ में वैलिडेशन मैसेज ईमेल इज रिक्वायर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, और हाँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूनिक की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे, सो यहाँ पे आपको लिखना है यूनिक, और इसको हम कर देंगे ट्रू। एक ईमेल से सिर्फ एक ही यूजर यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद में हम यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देंगे, सो पासवर्ड इसका भी टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, और इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वायर करना है, सो रिक्वायर इसको भी हम क्या करेंगे, एरे के अंदर ऐड कर देंगे, तो विथ वैलिडेशन मैसेज पासवर्ड इज रिक्वायर। और आप इसमें जो है मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ भी ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी मैं इग्नोर करता हूँ, बाद में हम देखेंगे इसको ऐड करेंगे। इसके बाद में एड्रेस को ऐड कर देंगे, तो एड्रेस, और इसका टाइप मैं एरे कर देता हूँ, इसमें मल्टीपल वैल्यूज हम ऐड कर देंगे, टाइप ऑफ एरे, और रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, इनिशियली मैं इसको रिक्वायर नहीं करता हूँ, बाद में हम इसको रिक्वायर कर लेंगे। उसके बाद में यूजर का फोन है, इसको फोन भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, टाइप इसका भी हम क्या करेंगे स्ट्रिंग कर देंगे, और फिर आपको रिक्वायर करना है, तो मेक श्योर यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज भी आप ऐड कर दें, तो ट्रू, और फिर वैलिडेशन मैसेज फोन नंबर इज रिक्वायर। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर का टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कौन सा यूजर है, क्योंकि हमारे पास इसमें मॉड्यूल्स भी रहेंगे, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप डिफाइन कर देंगे, टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे, सो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर, इसको कर देंगे ट्रू, और वैलिडेशन मैसेज भी ऐड करना है ना, सो एरे के अंदर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर टाइप इज रिक्वायर, या फिर डिफॉल्ट भी दे सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना डिफॉल्ट भी ऐड कर देता हूँ, ये है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्लाइंट, यानी जो यूजर है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर एज अ क्लाइंट ट्रीट करेंगे, और इसमें आप इनम का यूज कर सकते हैं, अगर मल्टीपल वैल्यूज आपको इसमें पास कराना है ना, तो आप इनम लिखेंगे फिर एरे, इसके अंदर वैल्यूज को पास कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट हो गया, बाई डिफॉल्ट क्लाइंट है, साथ ही हम एडमिन मॉड्यूल भी इसमें देख सकते हैं, और उसके बाद में वेंडर की फील्ड भी हम बना लेंगे, सो वेंडर, और साथ ही में क्या कर सकते हैं हम, ये फूड एप्लीकेशन है तो उसमें ड्राइवर को भी हम ऐड कर सकते हैं, बाद में देखेंगे इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इसकी इमेज भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, सो इसको दे देते हैं हम नाम प्रोफाइल, प्रोफाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे, और डिफॉल्ट कोई भी एक इमेज का लिंक मैं जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सो ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ गूगल, और यूजर इमेज, और कोई भी एक यूजर इमेज हम कॉपी कर लेंगे, जैसे कि डिफॉल्ट ये भी ठीक है, या फिर आई स्टॉक का ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और काफी बड़ा हो रहा है ये, कोई शॉर्ट वाला देख लेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और काफी बड़ा साइज है इसका, इसको देख लेते हैं पिक्सअवे वाले को, सो कॉपी इमेज लिंक पेस्ट, अच्छा ये थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो इतने सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, यूजर स्कीमा के अंदर रखेंगे, मेक श्योर आप केयरफुली इसको देखें, सोर्स कोड में से भी आप इसको साइड बाय साइड जो है रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो है ना टाइम स्टैम्प भी ऐड कर देंगे, कब यूजर क्रिएट हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी हमको इसमें गेट होती है, तो आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प, इसको कर देंगे आप ट्रू।
इससे क्या होगा, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड की प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएंगी जब भी न्यू यूजर क्रिएट होगा। इसको आप जो है डेटाबेस में चेक कर सकते हैं और उसके बेस पे अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखेंगे हम बाद में, सॉर्टिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, फिल्टरिंग भी आप इसमें कर सकते हैं डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे मोंगूस का इस्तेमाल करेंगे, मोंगूस डॉट मॉडल, इसमें आपको जो इसका नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यूजर का मॉडल है इसीलिए यूजर हम इसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में रेफरेंस आपको बताना है, रेफरेंस क्या रहेगा, जो ये वेरिएबल है ना यूजर स्कीमा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं यूजर का स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपको पास कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर स्कीमा, सेव कर लेते हैं इसको। तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ और अच्छा दिखाई देगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा यूजर स्कीमा क्रिएट हो चुका है। तो परफेक्टली मॉडल क्रिएट हो गया। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी, रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी, या फिर जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, अब यूजर का डेटा हमारे पास स्टोर होगा। स्टोर कराने के लिए अभी स्टिल हमको जो है कंट्रोलर और राउट्स क्रिएट करना है।